जी, मेरा नाम राजकिशोर है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन जब मैं इस कार्यशाला में आया तो मैंने देखा, काफ़ी चीज़ें समझी। समझने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने व्यवहार के बारे में सीखा, और एक मैं अपने आप को ही जानता था सिर्फ, कि मेरा शरीर ही है, मैं अपने स्वयं को नहीं जानता था। मुझे पता चला कि मेरे अंदर मेरा स्वयं भी है, और हमारे अंदर स्वयं की जब जानकारी हमें हुई तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुखी करना है, उसके बाद ही हम किसी दूसरे को सुखी कर सकते हैं। गुस्सा आने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, इरिटेट रहता था, नहीं ज़्यादा बातचीत करता था। लेकिन धीरे धीरे जब हमको पता चला कि सम्मान के विषय में जब हमें पता चला, तो हमको ये लगा कि लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे, ये हम सोचते थे, तो हम उसी से बात करते थे जिससे लगता था कि हमें बात करनी है। लेकिन बाद में जब यहाँ पर मैं क्लास में आया तो मुझे ये पता चला, हमें सबके साथ अच्छे से बात करनी है, कोई हमसे करे ना करे ये हमें सोचना नहीं है अपनी तरफ से, हमें पहले उससे बात कर लेनी है। अगर हम उससे बात करते हैं तो वो कैसा उसका विचार है, कैसी उसकी योग्यता है, वो अपने हिसाब से हमें बताएगा। तो यहाँ पे आके ये विचार हुआ। उसके बाद मेरा काम नहीं हो रहा था, मैं बहुत इरिटेट था, घर वालों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, और मैंने सर को भी यहाँ पे बताया था। सर हमारे साथ वो मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें मैंने बताया था कि मेरे पिताजी मेरा अच्छा व्यवहार, मैंने काफ़ी बातचीत नहीं कर रहा था, बेल नहीं हो पा रही थी। उसके बाद जब मैं क्लास में आया तो थोड़ा सा मैंने बदलाव किया, फिर मैंने उनको फ़ोन पर बात किया। बात करने के बाद वो मुझसे मिलने भी 2 दिन पहले आए थे, मेरा बड़ा वाला भाई भी आया, और उन्होंने कहा ये तुम अच्छी तरीके से बातचीत करो, हम तुम्हारा काम करा रहे हैं। सर ने एक उदाहरण दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे लिए काम कर रहे हैं हमारे घर वाले वो 100%, अगर वो 95% भी कर रहे हैं तो हम 5% जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन वो 95% उन्होंने हमारे लिए कर रखा है, उसको हम नहीं सोच रहे हैं। तो इसी सोच से वो मेरे घर वाले मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।